एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. वेलकम बैक. एक्चुअली अभी जस्ट आप लोग की मास्टर क्लास ओवर हुई है और 3:30 बजे आप लोग की मास्टर क्लास थी और अभी जस्ट हम आप लोग के सामने मौजूद हैं. एक बार जल्दी सारे लोग मुझे कन्फर्मेशन देके बता दीजिएगा कि आप लोग को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर तरीके से जा रही है नहीं जा रही है, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाएँ. और मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर दिव्या त्रिपाठी आप सभी के सामने. चूँकि आप लोग अभी थंबनेल देख के समझ में आ चुका होगा कि मैम आज का जो हमारा सेशन हो रहा है स्टार्टिंग का नहीं, एक दो दिन के लिए हमने स्टार्टिंग के सेशन को थोड़ा सा होल्ड पर डाला है, क्योंकि मैम आपको वैसे भी स्टार्टिंग वगैरह जो है वो पढ़ाई देती है. तो आप लोग का WAI का पेपर होने वाला है. अब टारगेट हमने सेट करके रखा है कि भैया 3-4 दिन बचे हमारे पेपर में, और जितना भी ज़्यादा हमसे कंक्लूजन हो सकता है, जितने भी एजुकेटर्स आपके लिए इसमें इंगेज हो सकते हैं, लग सकते हैं, आपके लिए ज़ोर शोर से लग सकते हैं. ऑल दो ये हमारा फेज यानी हमारा एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो ये हमारा एग्जामिनेशन वाला पार्ट नहीं है. मतलब आपको इस चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं देखा होगा ये वाला, इसकी क्लास नहीं दिखी होगी. तो इसका मतलब को समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे सारे एजुकेटर्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के लिए हम लोग फोकस्ड हैं, है ना. चलिए, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा हम आपका साथ ज़रूर देंगे आपको, जहाँ पे भी लगेगा कि हाँ जी मैम हमें यहाँ पे नीडेड है, आपके POI के साथ या फिर आपके मॉक टेस्ट के साथ, आपकी स्पीड बढ़ाने और आपको समझाने के साथ साथ, क्योंकि चीज़ें समझाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके गाइस, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग. और बाकी लोग, आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ मैम एग्जामिनेशन में, इस तरीके के एग्जामिनेशन में किस तरीके का हमें क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, बढ़ें आगे की तरफ फटाफट तरीके से. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. आइए बिना किसी देर के पहले सवाल की तरफ आते हैं. अब जितने लोगों ने सवाल को अभी समझेंगे ना, कई लोग बोलेंगे मम्मी तुम्हारा SSC में आता है हमारा. सुनिएगा ध्यान से. What is the reason for the phenomenon called break associated with the monsoon? एक break नाम की घटना है जो कि monsoon से जुड़ी हुई है. अब इसका संबंध जो है ये किससे है, मेरे one day जो SSC वाले बच्चे हैं ये इसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि उनको झट से याद आ जाएगा कि मैम बस चीज़ों को घुमा दिया गया है और बात तो एक ही है, कह तो वही बात रहा है कि ऊपर चमकेगा चंद्रमा और नीचे आएगा टाइड. तो बोलने का मतलब क्या है, देखो सबका जवाब आ गया मैम, ऑप्शन डी आ गया ना सबका जवाब. क्या कह रहा है मैम, ये जो मूवमेंट हो रहा है मॉनसून की जो गतिविधियां हो रही हैं, मॉनसून की जो हलचलें हो रही हैं, इसके बारे में क्रिएट हो रहा है. मैंने बोला कि उड़ीसा में बाढ़ नहीं आए, कभी ना आए. मैंने बोला कि बाढ़ आया था या बाढ़ आने वाला है, तो तुम देखते हो कि वेस्ट बंगाल में सेम तरीके से बारिश हो रही है, उड़ीसा में भी हो रही है. तो क्या जब आपका साइक्लोन आने वाला होता है, हमेशा मॉनसून के टाइम पे आता है, तो जब भी साइक्लोन हिट करता है तो क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है या फिर हाई प्रेशर क्रिएट होता है? आप तो हो ही, आपकी चमक भले कोई भी एग्जाम हो. अरे वाह, ग्रेट, शुक्रिया. बताओ, लो प्रेशर क्रिएट होता है. तुम देख रहे हो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही होती है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो लो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, है ना. अब अगर ये लो प्रेशर जोन मूव करना शुरू कर दे ईस्टवर्ड की तरफ जब मॉनसून का अराइवल हो रहा हो, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये किसके पैरेलल में जा रहा होगा मैम, ये हिमालय माउंटेन्स के आपके साइड पे पैरेलल में जा रहा है. अगला देख लेते हैं. HDR 2020 के हिसाब से भारत की HDI वैल्यू इट स्टूड्स फॉर वॉट मैम? साइक्लोन वाला स्टेट हमारा उड़ीसा है, तुम्हारा स्टेट साइक्लोन से पूरे स्टेट को बचाता है, ऐसे बोलो. अच्छा, आपको इसका जवाब देते वक्त ना एक बात का ध्यान रखना है, कोविड का ध्यान रखना है. किसका ध्यान रखना है आपको? कोविड का ध्यान रखना पड़ता है. कोविड के टाइम पीरियड पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत सही चल रहा हो लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा जा रहा हो. मैम 0.642 तो है नहीं, तो विल गो विथ, अपन किसके साथ चले जाएंगे, 645 के साथ चले जाते हैं. ठीक है, किसके साथ चले जाते हैं, 0.645. अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारा, ये बेसिकली मैंने 2021 में कितना था, 0.633 था, जो कि लोअर था वर्ल्ड एवरेज कंपेरेटिवली. बाय द वे, अगर आपको ये ध्यान रखना है, डेवलपमेंट ध्यान रखना है, तो ये भी ख्याल रखिएगा, भारत जैसे देश में अगर हम नौकरियां कम निकालेंगे और बोलेंगे नौकरियां तो हम बहुत निकाल रहे हैं, वैसे देश में जहां की आबादी जो चाइना को सरपास कर गई है, पता है ना ये बात, हम जो हैं वो पॉपुलेशन में, आबादी में हम सरपास कर चुके हैं.
ठीक है, ए टकले का भांजा, पढ़ो शांति से, हिंदी में पढ़ा लीजिए, ये कर लीजिए, तुम्हारे हम फारसी में पढ़ा रहे नहीं तो, है ना। चलिए, नाम ऐसा सा रख के आता है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है इंडिया में किसको दिया जाता है, कितनों को फीलिंग आई कि मैम ये तो हमारे सीजल में आया था, मैम ये तो हमारे सीजल में आया था, कितनों को ये वाला देख के फीलिंग आई है। तो 2020 पूछा है ना, तो 19-20 हो जाएगा ना, जल्दी। कोच, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं क्या बोलते हैं ये, किसको, द्रोणाचार्य किसके थे, गुरु थे ना, तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है, आपके गुरु को दिया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसी प्रकार के आपके अवार्ड हैं, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड जो है ये दिया जाता है आपका, इसके बारे में भी ख्याल रखिएगा। ये भी किस में दिया जाता है, आपके स्पोर्ट्स में दिया जाता है, द्रोणाचार्य है, अर्जुना है, ध्यानचंद है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये कुछ आपका जो है रिलेटेड है। मैम आपके ऑफिस में बजाज का एलईडी है क्या बेटा, अगर यहाँ एलईडी लगा होता ना तो मैं नहीं दिख रही होती, तो मैं दिख रहा होता कि कुछ अलग सा एक वाइड, कुछ अलग अलग सा खड़ा है, आँख नाक कुछ नहीं दिख रहे होते अगर एलईडी लगा होता तो। क्या बोले मैम, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कन्फर्ड एवरी रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड जो है वो दिया जाता है। यस मैम, मेरे सीजल में ये आया था, एग्जैक्टली। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, किस साल में क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने, ये भैया जिसे तुम थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जानते हो, इन्होंने थ्योरी ऑफ लाइट दी थी, बताना इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, 1680 की बात है, मैम 4 दिन से देख रहा हूँ आप ऑनलाइन, तुम उन 3 दिनों में देख रहे हो, 2 दिन से मेरी क्लास नहीं हुई थी, बस इस बार वीकेंड में, तो इतनी चीज है। 1678 में क्या बोले मैम हम, कि ये थ्योरी जो आपकी फाउंड हुई थी कब हुई थी मैम, क्रिस्टन, ये याद रखिएगा, क्रिस्टन ह्यून्स की थ्योरी। अब इन्होंने कहा क्या था, इनकी जो थ्योरी थी ये लाइट थ्योरी का मतलब इनका ये था कि कोई भी अगर ल्यूमिनस डिस्टर्बेंस मीट कर रहा है किसी भी स्फेरिकल वेव में तो क्या हो जा रहा है, सोर्स ऑफ अ स्फेरिकल वेव इटसेल्फ। अब इन्होंने अगर सम मिला के देखो, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी वेव, तो विच आर द रिजल्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है सेकेंडरी वेव, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि वॉट फॉर्म ऑफ न्यू वेव विल टेक। सीधी सी बात है, हम कहते हैं पूत के पाँव पहलने में दिख जाते, तुम्हारी हरकतें बता देंगी तुम्हारे बारे में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, फाइलम जो है एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट है, स्पाइडर से लेके तुम जितनी भी चीजें देख लो ये सब फाइलम वाली कैटेगरी में आते हैं, सब के सब। जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा जो है फाइलम जो कि सबसे लार्जेस्ट है एनिमल किंगडम में, आसान क्वेश्चन है ये, आर्थ्रोपोडा। जैसे कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोला, स्पेसीज 80% जो आप जानते हो, जितने भी एनिमल को मैक्सिमम तुम जानते ही नहीं हो, जान जाओगे तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो सब क्रैब्स हैं, स्पाइडर हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सब ऐसे फाइलम वाली कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये पता है कुछ लोग केकड़े को खाते हैं ऐसे नोच नोच के, नोच नोच के, कुछ तो तेल निकालने के लिए कुछ तो ऐसे ही खा लेते हैं, सो कच्चा उसकी टांग तोड़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आई डोंट नो तुम लोगों में से कितने लोग हो जो खाते हो, बट बीच के पास रहने वाले लोग तो सब खाते हैं, क्रैब 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 खाबो क्रैब खाबो, है ना। मैं खाती हूँ, यू आर बंगाली अंशु, कम ऑन, ऑब्वियसली यू विल ईट, ठीक है। चलिए मैम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बेटा आपका सवाल जुड़ा प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ सवाल है, बाद में कभी जवाब देंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। आप खाते हो क्या दीदी, देखो गंजा टकला, हम खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन हम तुम्हारा ना आंखें निकाल के फॉर श्योर खा जाएंगे, अगर तुम अभी पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया, तुम अगर बकैती छांटे तो थोड़ा देर बाद तुम्हारा टकला सर जो है वो टकला तो बचेगा नहीं, तुम्हारी आंखें जरूर खा जाएंगे। ध्यान से सुनो, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का, उनको एडवोकेट होना होगा हाई कोर्ट का,
एक कोर्ट में, दो कोर्ट में या दो से ज़्यादा कोर्ट में. अब देखो, कोई हो सकता है किसी ने प्रैक्टिस करी एक कोर्ट में एक साल, किसी ने किसी दूसरे हाई कोर्ट में दो साल प्रैक्टिस करी, किसी ने तीसरे हाई कोर्ट में चार साल प्रैक्टिस करी, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई 10 साल तक एक ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो. ये तीनों के जो मैंने आपको तीनों चार मैंने आपको बातें बताई हैं, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पड़ती हैं. अगला कह रहा है कि हाई कोर्ट के जज को एटलीस्ट उनको जज होना होगा किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए जज होना होगा. ठीक है, ही और शी शुड बी हाई कोर्ट जज फॉर 5 years और ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. मैम बी होगा, ऑप्शन बी होगा. फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया है क्या कभी? नहीं बेटा. क्या बोला हमने मैम? हाई कोर्ट जज. आपको किसी भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए पहला बात तो बिल्कुल तथ्यात्मक है कि आपकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी होगी किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में. रिमेंबर दिस, अगर ये हाई कोर्ट चेंज होके सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गया या लोअर कोर्ट आ गया, मैटर नहीं होगा. हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी होगी 10 years की या 10 साल से, 10 साल की ज़्यादा की. दिस इज़ रॉन्ग. ही आर शुड बी हाई कोर्ट जज होनी चाहिए एटलीस्ट 5 years के लिए, 5 सालों के लिए. ठीक है, और सिटीज़न होनी चाहिए आप भारत के लिए, ध्यान रखिएगा. तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है आपको किसी भी हाई कोर्ट में. अब ये भी मुद्दा सुनो, 5 साल आपको सर्व करना है किसी भी हाई कोर्ट में, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही हाई कोर्ट में 5 साल तक सर्व करते रहो. ये भी हो सकता है कि आप मान लो आज कैलकटा हाई कोर्ट के आज आप जज हो, कल आप दिल्ली हाई कोर्ट के जज हो, उसके बाद मद्रास के आप हो. हो सकता है आपने अपने 5 साल इस तरीके से किए हों, या फिर आप 5 साल किसी एक ही कोर्ट में अपने एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया हो. ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये स्टैब्लिश किया गया है किस साल में? मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दिव्या त्रिपाठी मैम, सर्च कर लीजिए एक बार फटाफट तरीके से. गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने आप लोग की क्लास शेयर हो गई है क्या सारे ग्रुप में? एक बार सेशन चेक करके बताना मुझे. में द ग्रामीण बैंक अक्टूबर 1983 बांग्लादेश 2009 में. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये नाबार्ड के बारे में आप लोग सब जानते हो ना? नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रहा था? नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रहा था? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से आप लोग बताइएगा. बाय द वे, इससे मैंने सारी डिटेलिंग देख के रखी है कि चाहे वो क्रेडिट देने का काम हो, माइक्रो फाइनेंस क्या हो जाते हैं, बैंक को मैंने बताया था बैंक क्या है. बैंक इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. उसका काम क्या है? प्रॉफिट करना उसका काम होता है. वो आपको लोन नहीं देगा नहीं चलेगा. अब तो बैंक इंश्योरेंस भी देने लगे हैं, टर्म्स प्लान इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये देने लगे हैं. ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा. अगले सवाल पर बढ़ते हैं. भारत में जो छोटी नदी घाटी है इनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? मैं अगर बोलती हूँ ना कि जो माइनर रिवर बेसन है तो उसका जो एक पूरा जुरिसडिक्शन एरिया, जैसे बोलते हैं ना कोर्ट का जुरिसडिक्शन एरिया होता है, वैसे इसमें क्या कहते हैं कि कैचमेंट एरिया जो है इनका कितने तक का होना होगा? सबसे छोटी कह रहे हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. 6-5 ईयर प्लान, 6-5 ईयर प्लान, ग्रेट 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 ग्रेट. या तो मैम 1500 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में हो, या तो मैम लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाए. मैंने आपको दो ऑप्शन दिया है कि या तो मैम 1500 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाए, या तो आपका लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाए. अब बताओ इनमें से कौन सा जवाब जो जाएगा ये सही जाएगा? जल्दी से. अगर मैं ऐसी रिवर बेसिन्स के बारे में बात करूं तो क्या मैं कह सकती हूं 55 रिवर बेसिन का मैं नाम ले सकती हूं छोटी? जहां जहां पे लो रेनफॉल एरियाज है, क्या बोला मैंने, कैचमेंट जो है आपका बेसिन का, ये भारत में किस तरीके से 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम पे आपका आ रहा है. वहीं पे अगर हम माइनर रिवर बेसिन में चले जाएंगे तो ये कैचमेंट कितना हो जा रहा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर, काइंड ऑफ सो सो गुड गुड वाला कंडीशन. आगे देख लीजिएगा,
देख लेते हैं कि मैम मेहरगढ़, जयपुर में जो नहरगढ़ किले हैं, इस किले का निर्माण किसने कराया है। बाय द वे, जैसे ही जयपुर का नाम लेती हूँ, आप सभी के मन में आ जाता होगा कौन सा मैम? आप लोगों के मन में आता होगा हवा महल। तो जल्दी से मुझे बताओ कि हवा महल का निर्माण किसने कराया था। जब मैं जयपुर का नाम लेती हूँ तो आप लोग उसको हवा महल, और इसी जयपुर को आप लोग क्या बुलाते हो? इसी जयपुर को आप लोग पिंक सिटी बुलाते हो। पिंक सिटी क्यों बुलाते हैं पहले ये समझो। इस टाइम पे क्या नाम था उसका? प्रिंस हर्बर्ट। हाँ, प्रिंस हर्बर्ट जो है ये भारत आया था, तो उसके स्वागत में पूरी जगह को ऐसा कहते हैं कि पिंक कलर से रंगा गया था। एक्चुअली भगवान कृष्ण से वो रिलेट किया जाता है, उनके मुकुट से रिलेट किया जाता है, और उससे रिलेट करके महाराजा सेवई जयसिंह ने क्या किया था मैम? जी हाँ, बहुत बढ़िया कलर किया था, ध्यान रखिएगा। और इसको मैम नहरगढ़ का फोर्ट जो बनाने वाले थे वो कौन थे? सेवई जयसिंह सेकेंड थे जिन्होंने किया था। डन। इसी को आप लोग पिंक सिटी बोलते हो, ब्लू सिटी बोलते हो, सबके अपने अपने रीजन है इसी की वजह से। इनमें से अब तुम लोग को ये क्वेश्चन देखिए समझ में आ रहा है कि तुमने कितने सारे सवाल तुम्हारे अपने वाले एसएससी से मिलते हैं जो मैंने करवा रखे हैं। कौन सा फोर्स जो है इट्स बिहाइंड डिक्लेयरिंग सती इलीगल? इनमें से कौन सा व्यक्ति है, किसमें इतनी ताकत थी जिसे सती प्रथा को बैन करने की बात करी थी भैया? अब देखो, जिसने हिमाकत करी थी उसका नाम है नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमें इतिहास कुछ इस प्रकार से पढ़ाया गया है, हमें इतिहास इतने चालाकी से पढ़ाया गया इतिहास कि तुम हमेशा अंग्रेजों का गुणगान करो, इतने चालाकी से पढ़ाया गया है। तुम्हें ये तक नहीं पढ़ाया गया कि जब ब्रिटिशर्स जाने वाले थे तो जाते वक्त उन्होंने महाराष्ट्र के किस गांव में उन्होंने इतनी उत्पत्ति मचाई थी, वॉयलेंट रेप एवरीथिंग। तो पढ़ाया बड़ी प्यार से जाता है, बड़े ही प्यार से पढ़ाया जाता है। अभी एक मैटर चल रहा है इसका, हमास का और फलस्तीन का और इसका इसराइल का, वापस से। चलिए खैर, ध्यान देते हैं हम लोग इस पर, कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर ना पढ़ने के बजाय। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सती प्रथा बेंटिक। और असल में हम सती प्रथा के खिलाफ आवाज किसने उठाई थी? आपके आरआरआर राजा राम मोहन रॉय। नहीं नहीं मैं अपने YT पे या मैं अपने इंस्टा पे मैं उठा सकती हूँ मुद्दे को, नॉट ऑन एनी प्लेटफॉर्म ना, हर प्लेटफॉर्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो, जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर श्योर बोल सकती हूँ, दैट विल बी द राइट थिंग टू से। और अगर हम बात करते हैं विडो रीमैरिज के बारे में कि मैम विधवा कानून जो है कि शादी के लिए पूर्ण विवाह अधिनियम कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो वो याद रखिएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। और उसको ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति, उस कानून को, रीमैरिज एक्ट को ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति था डलहौजी। और लाया किसके दौरान पर गया था? लाया गया था आपके, बताओ, कैनिंग के टाइम पीरियड पर। याद रखिएगा, ड्राफ्टेड बाय डलहौजी, और किसके कार्यकाल के दौरान पर? कैनिंग का कार्यकाल था जब डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट करके लेके आए थे। ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है? डलहौजी को आप किसके दे दीजिएगा? रीमैरिज एक्ट का दे दीजिएगा। इसने इसको क्या किया था? ड्राफ्टिंग करी थी। और इसके टाइम पीरियड पे क्या किया गया था? लागू किया गया था रीमैरिज एक्ट। और इसी के टाइम पीरियड पर मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था? मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था। रिपन के टाइम पीरियड पर आपको याद होगा इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुलाते थे। क्या बुलाते थे? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने लिखना शुरू किया जब मैं तुम लोग को लेक्चर्स लेती हूँ ना, मैं तभी ज़्यादातर मैं लिखने का काम, वरना ऐसा हो जाता है लॉ में कि लैपटॉप पे बहुत काम होता है आपका, एक्सेसिव काम होता है आपका लैपटॉप पे, तो वहाँ आपको ये देखा जाता है क्योंकि उंगलियाँ कितनी तेज़ चल रही होती है, ड्राफ्टिंग नोटिस, एंटी बेल, बेल पिटिशन, राइट, क्लाइंट से कोई वार्तालाप है, चलो लैपटॉप निकालो, पैड निकालो, फटाफट, क्योंकि उसका हिसाब रखना पड़ता है। यस, आगे बढ़ते हैं। क्लास तो इसी टाइम पर होती है, आगे देखिएगा। वॉइस आ तो रही है, माइक तो ऑन है।
When was the demand and the supply curve intersect each other is determined. मुझे बताओ कि जब मांग और आपूर्ति एक दूसरे को काटते हैं तो क्या निर्धारित हो रहा होता है उस दौरान पर. इक्विलिबेरियम क्वांटिटी. ठीक है ठीक है ठीक है. Give me a second. तुम लोग चाय पीते हो ज़्यादा या कॉफ़ी पीते हो ज़्यादा? तुम लोग ज़्यादा चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो? आज अगर चाय पत्ती महंगी हो जाएगी, आज अगर टी 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 ओके अगर अगर चाय पत्ती महंगी हो जाएगी तो क्या चाय वाले लोग कॉफ़ी में स्विच कर जाएंगे क्या? बताना ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में. मैंने कहा कि जब मांग और आपूर्ति की बात हो रही है इसका मतलब है मैम कि सरप्लस और मैम शॉर्टेज नहीं हो रहा है. गुड्स में क्या हो रहा है मैम? शॉर्टेज किसी प्रकार से नहीं हो रहा है. नो सरप्लस एंड नो शॉर्टेज ऑफ द गुड. ना तो मेरा सामान ज़्यादा आ रहा है और ना मेरे यहाँ शॉर्टेज हो रहा है. मतलब एक एडिक्वेट क्वांटिटी पे मेरे पास सब कुछ आ रहा है. क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेट्स सपोज जब मैं आप लोग का स्टूडियो सेटअप कर रही थी ये वाली, ठीक है, तो मुझे याद है उस टाइम पीरियड पर चूँकि थोड़े से मार्केट में ये हुआ हुआ था, कुछ लगा हुआ था, पता नहीं कुछ था उस टाइम पीरियड पर, आई गेस हॉलीडे या वैकेशन का टाइम चल रहा था उस दौरान पे, तो मार्केट से स्मार्ट बोर्ड जो थे वो ख़त्म हो गए थे. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे पास एक ही पीस बचा है तो वो हम ट्रांसपोर्ट करवा देंगे यहाँ से वहाँ से ऐसा ऐसा कर करके. तो मतलब ये है कि सरप्लस भी नहीं था उनके पास और शॉर्टेज भी ज़्यादा नहीं था. वो मेरे लिए एक पीस था, अगले दिन वापस एक और स्टॉक आ जाएगा, तो मतलब एडिक्वेट है उनके पास सामान है. ठीक है, प्राइस महंगा आता है, 3-3.5 लाख का पड़ जाता है, तो ऐसा है कि ज़्यादा लोग पता है कि कौन कौन से लोग खरीदने वाले कौन कौन से लोग नहीं खरीदने वाले हैं. तो क्या करते हैं वो लोग कि अच्छा ठीक है, हमें अपने अपने क्या रखा है कि हमने डिजिटल बोर्ड का अपने पास पैकेज रख रखा है कि हमारे पास चार आएंगे, चार ऑर्डर आएंगे, हम चार निकाल देंगे. ठीक है, शॉर्टेज भी नहीं होने देंगे, सरप्लस भी नहीं होने देंगे एक तरीके से अगर कहे तो. है ना, सही बात है, क्लियर. चलिए अगला. तो बिजनेस में होल्ड बैक द सप्लाई टू स्टिमुलेट द डिमांड एंड दिस एनेबल देम टू रेज द प्राइस. अभी तुमने देखा ना जैसे प्याज क्या होता है, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑक्सीजन का. कोविड टाइम पीरियड पर ऑक्सीजन की जरूरत सबको थी. कुछ ऐसे निर्लज वाहियात घटिया लोग थे जो ऑक्सीजन ज़्यादा मार्केट से खरीद ले रहे थे और अपने घर पर ला कर स्टॉक रख ले रहे थे. कुछ लोग उसको फिर ब्लैक में बेच रहे थे ताकि उसका प्राइस राइज करके बेच पाएँ. है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपका दिया जाता है ये किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है. 1985 में मैम ये लाया गया था, व्हेन इन 1985, और ये मैम दिया किसको जाता है? गुरु को दिया जाता है. 1985 इसको फॉर्मुलेट किया गया और मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया है इसके बारे में कि हमने और कितने प्रकार के अवार्ड जो हैं हम आप लोग को दे के ऑलरेडी रखे हैं. चाहे परजना अवार्ड के बारे में बात करिए, चाहे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में बात कर लीजिए, आप आज़ाद अवार्ड के बारे में बात कर लीजिए, ये सारे के सारे. ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं अगले सवाल की तरफ. आप लोग को पता है, पूछ रहा है भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर आपको बताना है. ये एआई का क्वेश्चन है. अब सोचो कि तुम लोग को आता है कि नहीं आता है सारे क्वेश्चंस. आइए ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हम. भारत जो है अपनी सीमा साझा करता है. भारत नहीं नहीं, पाकिस्तान की सीमा यहाँ आ गई, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है. भारत सीमा साझा करता है 9 देशों के साथ, जो मैंने आप लोग को बार बार समझाया है लिख लिख के कि जिसमें से 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, भूमि, और 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग सीमा कौन सी साझा करते हैं, मरीन यानी वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं. ध्यान रखिएगा जहाँ पे हमारी एक्ट्रेसेस हमेशा पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा. तो
हमारी जो सबसे बड़ी जो हम सीमा साझा कर रहे होते हैं वो हम कर रहे हैं किसके साथ? बांग्लादेश, यस, मालदीव्स एंड श्रीलंका। हमने क्या बोला, सबसे बड़ी जो हम साझा कर रहे हैं वो हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, और सबसे छोटी सीमा जो हम साझा कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे होते हैं? वो अफगानिस्तान के साथ कर रहे होते हैं। तो क्या बोले मैम, ये आपकी क्या है, बड़ी सीमा हम साझा कर रहे हैं और सबसे छोटी सीमा हम साझा करते हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। बाय द वे, यहाँ पे मैंने आपको स्टेट का जिक्र किया है कि जैसे कौन कौन से हमारे स्टेट जो है ये बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ हमारे लगते हैं, तो इसको भी आपसे घुमा के सवाल पूछ देगा। जैसे आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, टोटल कितने हो गए? हमने कहा मैम आसाम, हमने कहा मैम त्रिपुरा, हमने कहा मैम मिजो, हमने कहा मैम मेघालय, हमने कहा मैम बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, तो टोटल हमारी कितनी जगह हो गई मैम? 5 हो गई हमारे लिए। डन, किसी कोई डाउट किसी भी तरीके से कहीं पे भी तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। गाइस, आज आप लोग का पेड बैच है ना दिल्ली पुलिस का। मुझे टॉपिक बता देना वरना मुझे भी रीचेक करना पड़ेगा, टॉपिक क्या है वो मुझे चेक करना होगा एक बार। अच्छा, इसको ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। एंटोनियो लॉरेंट जो है वेल नोन व्यक्ति हैं। अब ये व्यक्ति जो है अपने किस प्रकार के डिस्कवरी के लिए ये जाने जाते हैं? कितने लोगों ने बचपन में डायलॉग मारा है कि मुझे तो जीने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, ये भूल जाते हैं कि मुझे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या कहा मैम, किसके बारे में बात हो रहे हैं मैम? इन्होंने किसकी खोज के लिए, ऑक्सीजन रोल इन द कंबशन एंड द रेस्पिरेशन, किसके लिए कहा? तो ये फॉशरी इनकी थ्योरी को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा है, स्कूल में आपका एक नंबर ये कैरी करता था अगर आप लोग को ध्यान होगा इसके बारे में तो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगले सवाल की तरफ। निधि कंपनी जो है, निधि सेवा जानते हैं आप लोग, ये 2013 में किस धारा के अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त है? आराम से, मैम 406 406 400, सबका जवाब आ गया मैम 406। देखो पूछ सकता है इसलिए मैंने आप लोग को लिख दिया है। नॉन फाइनेंस है, अपने आप में कह रही है नॉन फाइनेंस है, 7 मेंबर रख लेंगे और 3 और मेंबर जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे हम लोग बना देंगे। कोर बिजनेस के तौर पे अगर हम देखते हैं, अगर हम कहते हैं तो क्या है बेटा, तुम इतनी जो कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी तरफ मैम का ध्यान जाए, कमेंट जो कर रहे हो बस इसलिए ध्यान लेने के लिए, क्यों अपने नाम के आगे इंडियन लगा के रखे हो, आर्मी का क्यों लगा के रखे हो, क्यों मत करो ये काम। तुम जैसे लोग पता है एकदम बदनाम कर दोगे भारत को, मत करो ये काम, पढ़ो। चलिए तो बात समझ आए, क्या वाला 7 मेंबर हैं जिसमें से 7 मेंबर हैं, 3 मेंबर जो होने चाहिए आपके किसमें होने चाहिए मैम, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के तौर पर आपके आने चाहिए। डन रही बातें, चलिए अगला। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट को और उसके साथ उसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गलत है या फिर सही है? अच्छा गलत, सही करना है अपने को, सही जोड़ी का चयन करें। केसरिया स्तूपा, केसरिया तेरा, मध्य प्रदेश, धमिका पश्चिम बंगाल, चाकू चौखंडी स्तूपा उत्तर प्रदेश, महाबोधि। मैम उत्तर प्रदेश चौखंडी, वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सबका आ गया, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बातों को बहुत ध्यान से, उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहली जगह है जहां पे
उत्तर प्रदेश, देखो बुद्धिज्म के हिसाब से बिहार और यूपी, इन दोनों को ही क्या माना जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जो ज्ञान मिला, ज्ञान कहाँ मिला, ज्ञान मिला बिहार की गया में ज्ञान मिला। और यूपी में इन्होंने अपना सबसे पहली बार क्या दिया था, सरमन या फिर आप कह सकते हैं उपदेश, सारनाथ में दिया था, जो कि डियर पार्क था, आपका हिरन का पार्क था। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले सरमन दिया था, सारनाथ में डियर पार्क के अंतर्गत दिया था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ पर इनकी 5 डिसाइपल रहे थे। स्तूपा जो है, जब हम बात करते हैं कि मैम नॉर्थ साइड में कैसे बनते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स या मंदिर, तो आप कहते हो कि मैम नागरा स्टाइल के बनते हैं। आप जब कहते हो मैम साउथ में कैसे बनते हैं, तो आप कहते हो हम द्रविड़न स्टाइल में बनते हैं। वहीं पर जब बुद्धिज़्म में आते हो, तो आप क्या कहते हो कि मैम बुद्धिज़्म में स्तूपा के तरीके से बनते हैं। किस तरीके से मैम? स्तूपा, है ना। चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से आपका विटामिन डी कम होता है। आपको बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो विटामिन डी है, विटामिन ए है और विटामिन बी है। मैं बताती हूँ क्या क्या सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं इसमें से। रेक्स, वो रेड रेड कलर के तुमने देखे हैं जो, हाँ उसी को बोलते हैं। हमने बोला कि एक आपसे बड़ा ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन ए। मैं बता देती हूँ किस किस विटामिन से ये लोग पूछते हैं। जैसे विटामिन ए से अगर आप बात करते हैं, तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल के तरीके से लोग पूछ लेते हैं, इससे नाइट ब्लाइंडनेस, इससे क्या सवाल पूछते हैं आपको, जिसको आप लोग रतौंधी बोलते हो, रात को जिसको नहीं दिखता है। पुरानी मूवीज़ में तो ऐसे बहुत सारी आती थी, जिसको रात को नहीं दिख रहा हो, वह लड़की चलेगी स्लीपिंग, वो क्या बोलते थे, एक नाइट वॉक, है ना, कई चीज़ें लोग बुला देते थे। खैर, ये क्या बोला मैम मैंने, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरी चीज़ एक पूछता है आपसे, ये बेरी बेरी के बारे में, जो कि तुम्हारा विटामिन B1 की वजह से होता है। विटामिन बी लिख देना, जनरली B1 B2 ऐसे लोग नहीं देते हैं, तो सीधे विटामिन बी दे देते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका बी हो गया। विटामिन सी मैम, स्काईवेरी, ठीक है, गुड। विटामिन सी से और भी आपके सवाल पूछ लेते हैं कि बताओ किस प्रोडक्ट में। विटामिन ए से नहीं पूछते हैं प्रोडक्ट, लेकिन विटामिन सी में ज़रूर पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट बता दो कि किस सब्ज़ी में ज़्यादा पाया जाता है, साइट्रस फूड में पाया जाता है। विटामिन ए में चले जाएगा तो कैरेट में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी वगैरह, थाई में, हाँ जी, आंवला, टमाटो, लेमन। बोलने में तुम लोग बहुत आगे हो, लेकिन खाते तुम लोग मुझसे कोई नहीं होगे, हैं, जब मम्मी खिलाती होगी तो ऐसे भागते होगे जैसे कि पता नहीं हमने, मम्मी तुमने क्या, हमें क्या ला के खिला दिया। चलिए अगला देख लेते हैं, डन। ओके, 1932 में पूना पैक्ट जो साइन हुआ था, ये आपको बताना है कि कहाँ पे साइन हुआ था। चलो मैं बताती हूँ, गांधी जी। अब तो मुझे दूसरा बताओ कि और कौन थे यहाँ पे। तुम लड़कों की लाइफ जेन्युइनली कितनी अच्छी होती है यार। ओके, यरवाडा सेंट्रल जेल, यरवाडा सेंट्रल जेल क्या था, व्हाट वाज पूना पैक्ट ऑल अबाउट। मैं आप लोगों को हज़ार बार ज़्यादा ये सारे पैक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। क्या था ये, यरवाडा सेंट्रल जेल। वैसे यरवाडा का नाम आपने सुना होगा, संजय दत्त से रिलेटेड भी सुना ही होगा, फॉर श्योर आप लोगों ने सुना होगा। मैम गांधी जी थे, मैम अम्बेडकर जी थे, मैम दलित के लिए साइन किया गया था। मैम क्या था दलित के लिए, क्या रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी, क्या रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी कि दलित को भी अगला हमारा नेता कैसा हो, तो हम में से जैसा हो वही वाला है, बताना मुझे जरा। नया राइट्स देना, किसके बारे में कह रहे थे मैम, नए राइट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, वही सेम जब जो 1906 में दिया गया था, जो मुस्लिम्स को दिया गया था 1906 में, जिसको हम लोग बहुत ही फेमसली जानते हैं, किस नाम से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, आई वांट टू टेल यू समथिंग यू गाइस, मैंने एक कमेंट, मैंने कमेंट देखा, मेरी 2 वीक पहले की क्लास थी और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। मैं सच बता रही हूँ,
तो एक बंदा था जो कमेंट में आके कुछ गलत कह रहा था, तो उसको मेरे को डिफेंड करते हुए एक दूसरा लड़का आया जो मेरे को डिफेंड करता हुआ कह रहा था कि डोंट टॉक लाइक दिस अबाउट मैम, मैम इज़ वेरी गुड, ठीक है, वो बता रही मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है ये वो. तो उस बंदे ने क्या लिखा है उसको, डोंट बी सो नाइव, यू नो वेरी वेल वाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, कांट यू सी हर ल्यूरिंग एसेंट, एक्सेंट लिखा है, एसेंट लिखा, उसका स्पेलिंग भी गलत है लिखने का, मतलब मेरी बात करने का तरीका उसको बड़ा मनमोहक लगता है. तो बेटा उसमें गलती जो है वो तुम्हारी है, क्योंकि मैं बोर इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ. पूना पैक्ट रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन द बाबा साहेब, दैट्स वाई शायद मुझे लगता है कि इसको हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल बुलाते हैं. अब पता नहीं वो मेरी क्लास में है या नहीं है, लेकिन फॉर श्योर मैं बोलना चाहूँगी कि इसको हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल बुलाते हैं, और शायद इसी के लिए तुम लोग लाखों रुपए खर्च करके फिनिशिंग स्कूल में जाते हो टू लर्न पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थिंग, हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट. कुछ लोग जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं क्या बोला समझ ही में नहीं आया, बॉडी दिखाने आए क्या बोले, चले गए निकल के. यही यही सीखने के लिए जो है, आप यही सीखने के लिए जाते हो फिनिशिंग स्कूल में. पता नहीं आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है फिनिशिंग स्कूल का, जैसे अमिटीज़ वगैरह, सेम वॉइसेस वगैरह फिनिशिंग स्कूल चलाती है, कि आपको खड़े कैसे होना है, कप कैसे पकड़ना है, हैंडकरचीफ किधर रखना है, पेन कैसे पकड़ना है, वाइन ग्लास कैसे उठाना है, दीज आर थिंग्स आर कॉल्ड फिनिशिंग स्कूल, बैठना कैसे है. हाँ, तो फिर तुम लोग यही चीज़ सीखने जाते हो. फिर तुम आर्मी में जाते हो तो आपको फिर यही चीज़ सिखाई जाती है, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. लबासना में भी फिर यही सी चीज़ आगे सीखते हो ओवरऑल. लेकिन चूंकि तुमने आज तक पहले देखी नहीं है कभी, तो तुम्हें मैम को देखकर लगता, अरे ऐसा कैसे, मैं ऑलरेडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, मुझे पता ही नहीं मैंने कितने स्कूल में, मैंने कितने कॉलेज में खुद एज अ लेक्चर बेसिस पे मैंने दी होगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अपने अर्ली टाइम्स पीरियड पर, ठीक है. और यही वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि मैं इतनी कम एज में, वरना इस टाइम पे लोग जो होते हैं वो किसी के अंडर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कमा नहीं रहे होते हैं, कि मैं इतनी कम एज में मेरे पास सक्सेसफुल जीते हुए केसेस हैं बिकॉज ऑफ माय ओन प्रेजेंटिंग स्किल एंड नॉलेज. नॉलेज के साथ मेरे पास नॉलेज बहुत है. आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं, पास नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो लोग इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो ट्रांसलेशन बहुत बवाल होता है. क्यों? प्रेजेंटेशन स्किल लैक कर रहा होता है कहीं ना कहीं, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है. तो नॉलेज सबको है, आपको प्रेजेंट करने का तरीका मालूम होना चाहिए. तो सीरियसली बात करने के तरीके से भी प्रॉब्लम है कि बात करी तो ऐसे मनमोहक टाइप, अरे यार कम ऑन गाइस. चलिए अब तुम्हें वैसे ट्रेंड टीचर्स अगर नहीं मिले हैं, तुम्हें अगर मिल जा रहा है कि मैम कोई लॉ है वो पढ़ा रहे हैं आपको, तो तुम्हें पर लगेगा ही, तुम किसी एक अच्छे लॉ फैकल्टी की क्लास जाके देख लो, तुम देखना उनके बात करने का तरीका कितना बढ़िया होता है जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी. आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर्स ऑल्सो, डॉक्टर्स का प्रेजेंटेशन स्किल में बात करने का तरीका, जब वो पढ़ाते हैं लेक्चर्स देते हैं, उनका तरीका देखो एक बार. आगे बढ़िएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन डू द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव द रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून. यह हमने किया है कोस्टल रीजन में, जैसे तमिलनाडु का जो एरिया है रेनफॉल रिसीव होता है उसको हम लोग रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं. दोबारा आ रहा होता है, यहाँ पे मॉनसून आ रहा होता है, उस किस दौरान पे आ रहा होता है, विंटर सीजन के दौरान पे आता है मैम. विंटर. तो बेसिकली जो साउथ वेस्ट मॉनसून है अपना, किसके बारे में कहा मैम, जो अपना जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये विंटर सीजन में दोबारा आता है और एक बार मूव करके जाता है नॉक करके कि हेलो, क्या तुमने बारिश में पकौड़े नहीं खाए, क्या तुम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए थे. यस, चलिए ध्यान दीजिएगा. हम क्या कहते हैं कि अच्छा केरला में बारिश आ रही है, अब यहाँ पे भी मूव कर रही है, खाड़ी के बाद यहाँ मूव कर रही है. किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में यूनियन टेरिटरीज को ओके 1956 आप लोग को याद है, 1956 स्टेट रिओर्गनाइजेशन आप लोग को याद होगा. मेरे कम्युनिकेशन स्किल इज जस्ट लाइक यू लुक अमेजिंग, थैंक यू. ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अगर याद होगा तो भारत को ए बी सी डी कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया था. अब इसी कैटेगरी को क्या कह रहा है कि पार्ट सी ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे कैटेगरी किस में था, सातवें में था जिसको हमने हटा दिया,
सेवन्थ अमेंडमेंट दो तीन चीज़ें जो हैं आपको मेरी बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना पड़ेगा। हमने पहले हमारे यहाँ ना यूनियन टेरिटरीज नहीं होते थे, हमारे यहाँ पहले स्टेट नहीं होते थे, तो हमारे यहाँ पहले क्या होते थे, हमने कह दिया कि हमने एक केंद्र शासित कह रहे हैं, बड़े राज्यों को रख दो, छोटी रियासतों को रख दो, है ना, कमिश्नरेट वाली जगह को एक जगह में डाल दो, अंडमान निकोबार को डाल दो, और ऐसे करके हमने एक प्रॉपर डिविजन जो है वो हमने करके रखा था। फाइनली जाके दो तीन आपकी कमेटियाँ आती हैं, जैसे आपकी एसके धर कमेटी आती है, आपकी जीवीपी कमेटी आती है। एसके धर कमेटी कहती है कि नहीं, भाषा के आधार पर बंटवारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जीवीपी कमेटी आती है, वो भी बोलती है कि नहीं, भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं हो सकता है। फाइनली जाके जो फैजल अली आयोग आती है, वो कहती है कि हाँ, आप भाषा के आधार पर आप बंटवारा जो है ये आप कर सकते हैं। पता है आप लोग जिसमें कन्फ्यूज हो रहे थे, अगर आप लोग को पता चल जाता, डेट मैं लिख देती, तो आप लोग तुरंत जवाब दे देते। क्योंकि जब स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया, वो कब आया मैम, 1956 में आपका स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट को आपका लाया जाता है। यहाँ मैंने आर्टिकल्स दिए हैं कि इसके ज़रिए कितने अमेंडेड आर्टिकल्स को हमने इसमें लिस्ट किया है। बाय द वे, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यूपीएससी या लॉ कर रहे हो तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है, उसके अलावा इतना नहीं जानना है, आप लोगों को कन्फ्यूज हो जाओगे। हमने क्या करा उसके अलावा, हमने बोला कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने यूनियन टेरिटरी बना दी, हमने राज्य बना दिए। 1960 में जैसे हमने सबसे पहली बार मुंबई गुजरात को अलग किया, क्या बोला, मराठी, ये क्या नाम है, ये मराठी अलग और गुजराती अलग, अलग अलग भाषा, अलग अलग चीज़ चाहिए, आप अलग हो जाओ। तो इसके आधार पर धीरे धीरे 15वां राज बना, 16वां राज बना, 17वां राज बना, साल बर साल के हिसाब से, और उसके साथ ही आपके हर एक आर्टिकल में संशोधन जो है ये होना शुरू हुआ। सबसे पहला राज्य जो इस प्रक्रिया में बनता है वो था आपका आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर जिसका बंटवारा होता है, और जिसकी वजह से ये पूरा मुद्दा उठता है एक तरीके से हाईलाइट होके, दैट वाज आंध्र प्रदेश, है ना जी। हाँ, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे मैटर को रिवाइज किया गया था वापस से। एक ट्राइब्यूटरी नदी है, सहायक है किसकी, गोदावरी की। जब मैं बात करती हूं दक्षिण की गंगा, यानी दक्षिण गंगा, स्पेलिंग क्या है उसका, दक्षिण गंगा, मैंने एच लगाया यहाँ पे, आई हटा के, क्योंकि अगर हम सिन का मतलब होता है पाप, है ना, दक्षिण की गंगा की मैम कौन सी हो जाएगी, पढ़ने वाले देखने वाले, कोई बात नहीं बेटा, वो उनका नुकसान होगा, आप पढ़ लो, जिनको बस देखना है मैम को वो अपना टाइम व्यतीत कर देंगे और आप पढ़ लेना, है ना। कुछ लोग रील ऐसे ही देखते हैं कि बिजनेस आइडियाज़ दे रहा है, देख लिए ख़त्म कहानी। कुछ लोग उसको देख के अपने आप से बिजनेस आइडियाज़ दे के कुछ करने का सोचते हैं। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। मंजरा, वैसे बताइएगा, हम इसे वृद्ध गंगा क्यों बुलाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा बुलाते हैं, हम लोग वृद्ध गंगा बुलाते हैं, इसके साइज़ की वजह से बुलाते हैं। क्या बोले, इसकी साइज़ की वजह से बुलाते हैं। अगर मैं इसका साइज़ बोलूँ तो सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद, इसलिए इसको हम दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी बुलाते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इसका अगर बेसन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इट विल बी कम इन द थर्ड लार्जेस्ट, डन, लार्जेस्ट साइज, ग्रेट, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था, इंटरफेरेंस किया था लाइट वेव को डबल स्लिट के साथ, बताइएगा कौन थे। चलो मैं तुम लोग को 1801 की बात है, ये आराम से जवाब देना, 1801 की बात है ये, इंग्लिश व्यक्ति था ये। ऐसा हो सकता है कि लाइट कंपोज्ड हो सके वेव के द्वारा, मींस ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेव्स, मतलब जब भी कोई दो प्रकार की लाइट जो है अगर ये मीट कर रही है तो उससे किसी प्रकार का अद्गमन हो सकता है कहीं पे भी, यस हो सकता है। तो बस यही थॉट प्रोसेस के साथ इनका ये मानना था, कंप्लीट तरीके से उनकी थ्योरी जो बेस्ड रही थी वो इस प्रोसेस के ऊपर ही तो बेस्ड रही थी कि रीजन द सम टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वुड अकर व्हेन टू लाइट वेव्स मेट।
अब इसी हैपेंथेनेस के चक्कर में इन्होंने क्या किया था, डिवाइस किया, एक इंडिजिनस एक्सपेरिमेंट किया और फिर जाके इस पूरी थ्योरी को अपना मुकाम मिलता है। अगला देख लीजिएगा, इंडिया जो है हमारे पास लगभग कितना किलोमीटर का कोस्ट लाइन होगा हमारे पास, आराम से जवाब दीजिएगा सारे लोग। कोस्टल स्पेस, मैं एक हिंट देती हूँ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कच्छ, अंदाजा लगाओ एक। मैम 7516 किलोमीटर, तो विल गो विद 7500। कह सकते हैं, अगर मैंने बोला तुम्हें कि साउथ वेस्ट इंडिया की कोस्ट लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी तो तुम क्या बताओगे? मैंने अगर बोला कि साउथ वेस्ट, जिसके बारे में मैं मॉनसून से रेट करी थी अभी दो मिनट पहले, अगर मैंने तुम्हें बोला कि साउथ वेस्ट की जो मॉनसून है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, क्या अरेबियन सी से खंबात जाएगी, गल्फ ऑफ कच्छ, हाँ या ना? मैं एक सिंगल तुमसे पूछ रही हूँ एग्जाम्पल, 7500 जवाब दो, हाँ या ना में। हाँ या ना में जवाब दो, हमने डिवाइड करके रखा है। यस मैम, अरे ऐसे तो सीजन में पूछा था तुमसे, अभी ये रीसेंट क्वेश्चन है तुम्हारा सीपीओ वाला, जिसमें पूछा था किसके बारे में, कहाँ गया ये, साउथ वेस्ट वाला पूछा था तुमसे कि साउथ वेस्ट इंडियन कोस्ट लाइन जो है बताइए कहाँ से कहाँ तक। मैंने क्या बताया तुम्हें, अरेबियन सी से लेके तुम चले जाओ कोस्टल गल्फ ऑफ कच्छ से लेके वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में तुमको जाना, तो गल्फ ऑफ खंबात से लेके चले जाओ तुम सैलेस से, थाईलैंड मुंबई से लेके, है ना? आपसे एग्जाम में ना पर्टिकुलरली एक चीज नहीं पूछता है, आपसे डिवाइड करके पूछता है, साउथ वेस्ट पूछ देगा सब, तुम अब अलग अलग करके तुमसे एक चीज पूछ दिया इन्होंने, खत्म कहानी। सीपीयू में सेम क्वेश्चन ऐसे तो अलग करके पूछा था आप लोगों से, आपको बताना है कि हैदराबाद, हाँ किस्सू, चलो इसका नाम कितना प्यारा है किस्सू ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन इन द हैदराबाद, ओके चार मीनार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चार मीनार का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ये कब मैम, 1591 में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी नवाब ने नहीं बनाया था इसको, बल्कि सुल्तान कुली कुतुब शाह। किसके द्वारा मैम, जल्दी बताओ, कुली कुतुब शाह। यस 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 यस, क्यों भैया कंपटीशन मित्रा, क्या मैं इंसान नहीं हूं? और क्या फर्क पड़ेगा मुझे तुम्हारे दो तीन चार बात बोलने से, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मुझे फर्क पड़ेगा? तुम या वेले, कुछ एक दो वेले लोग और अगर कुछ बोल देंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जो तुम्हारा नाम लेके अपना वजूद बनाना चाहेंगे, हाँ, जो अपने हाथों से बनाए छत के नीचे भी ना रहते हो, कम से कम मुझे इस बात की तो प्राइड रहेगा कि मैं घर अपने हाथों से अपने पैसे से खरीद रखा होगा, मैं उस घर में रहूँगी, मैं अपने कमाए हुए पैसे से खाना खाऊंगी, तो मैं उनके वजूद से, उनके बोलने से मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? ये मैं बहुत सादगी भरी भाषा में आपको बता रही हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिएगा, तो हमने क्या कहा, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 एडी में इन्होंने बनाया था। ओके, अब ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वाइफ भागमती के लिए ऑनर में इनको बनाया था। मैं क्या बोल रहा था, आपने मुझे ही ट्रोल कर रही है, क्या बोल रहे थे तुम, समझा के बोलोगे ना, मुझे क्या पता क्या बोल रहे थे तुम। अगला ध्यान दो, कॉपर सल्फेट जो है आपको दिखता है कॉस्टिक सोडा, ये आपको टेस्ट करता है प्रेजेंस किसके बारे में, स्टार्च ना प्रोटीन, दो ऑप्शन, स्टार्च प्रोटीन, ध्यान से। हमें टेस्ट करना है, और अगर फूड का कलर अगर वॉलेंट कलर का हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन, तो मतलब उस फूड में क्या है मैम, यस 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 यस, प्रोटीन्स, डन। अगला,
टू हुम द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो अभी जस्ट मैंने करवाया था, द्रोणाचार्य अवार्ड करवाया कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, स्पोर्ट्स में दिया जाता है ना, उसी तरीके से आपका ये अवार्ड जो है अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड ये किस में दिया जाता है, जल्दी बताओ बिना किसी तरीके, बहुत मार मारेंगे ये पकड़ के। '56-'57 के दौरान पर उसको स्टार्ट किया गया था। अगर पूछ लेगा ना कि स्टार्ट कब किया गया था, तो 56-57 के बीच में। यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है किस में? स्पोर्ट्स में दिया जाता है। अच्छा, अर्जुना अवार्ड कब दिया जाता है? अर्जुना अवार्ड कब दिया जाता है कमेंट बॉक्स में बताना। द्रोणाचार्य अवार्ड हमने कर लिया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हमने कर लिया है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी हमने कर लिया है। अर्जुना अवार्ड जो है ये आप मुझे बताइए कि अर्जुना अवार्ड कब किस जगह में दिया जाता है, खेल में, स्पोर्ट्स में, खेल में, स्पोर्ट्स में। गाइस जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। डन। अगला, भारत सेवक समाज जो है, ध्यान से सुनना, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? भारत सेवक समाज, इसमें हम सर्वेंट वाला तो नहीं है, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी नहीं है जिसको हमें घुमा के हिंदी में तो नहीं पूछ दिया इन लोगों ने? क्या ये वही तो नहीं है जो हमने इंडियन सर्वेंट सोसाइटी किया था? ये वही वाला तो नहीं जिसको हिंदी करके भारत सेवक समाज कर दिया गया, जो हमने सुबह में पढ़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले? यस, इसके बारे में ध्यान रखना है। क्या कहा मैम? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया किसने बुलाया था? हाँ हाँ हाँ, तो एग्जाम में भी ऐसे याद रखना है कि ये वही है। मुझे ये बताओ कि डायमंड ऑफ इंडिया जो आप बुलाते हो, तो आप डायमंड ऑफ इंडिया आप किसको बुलाते हो, मतलब किसने बोला था इनको डायमंड ऑफ इंडिया? एनीवन? बाल गंगाधर तिलक साहब ने इनको बोला था, जो कि इनके ओपोनेंट थे, मतलब ये उनको अपने ओपोनेंट मानते थे। गोपाल, अब तुम ऐसे समझो ना बातों को, कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु कौन मानते थे? गांधी जी अपना गुरु मानते थे, ऐसे समझो। गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे, कौन? पॉलिटिकल गुरु मानते थे गांधी जी। और बाल गंगाधर तिलक साहब, वो क्या, हम उनको एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे जानते हैं, उन्होंने उनको बुलाया था, डायमंड ऑफ इंडिया बुलाया था। मैं अगर आप लोगों से अभी पूछ लूंगी ना कि आप मुझे बताइए कि बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म दिवस कब है, तो आप में से 99% बच्चे शायद नहीं बता पाएंगे। गांधी जी का जन्मदिवस आप लोग को याद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वीर सरवाकर का आपको नहीं पता होगा जन्म दिवस, मृत्यु, चलिए ग्रेट। मैकमोहन लाइन, ओ माय गॉड, दिस मैकमोहन लाइन। मैम आप मेरी क्रूज हो, प्यारे से बच्चे ने लिखा है कि मैं आप पे क्रूज हो, ये क्रूज नहीं होता, क्रश होता है। क्रूज टाइटैनिक क्रूज जा रहा था, डूब गया, वो वाला क्रूज। सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बातों को। इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, कोई किसी ने बोला क्यों नहीं, किसी ने इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने? क्या कर दिया आज तुम लोगों ने? क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता है क्या? क्या बात करते हो यार, हमको लगा इंडिया पाकिस्तान होगा, गजब हालत है। सुनो बात को ध्यान से, मैं आपने बोला भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में कहानी है, देखो तुम बोलते हो कि हम मून पे, हम सिर्फ शक्ति पॉइंट नहीं रख सकते हैं नाम, चूंकि हमारा खुद का वहाँ पे
चंद्रयान गया है तो ये लोग जरा सा कोई काम करते थे तो अपने नाम पे एरिया का नाम रख लेते थे। अब हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिमला कन्वेंशन के नाम से आप लोग उसको जानते हैं, शिमला कन्वेंशन के नाम से। इस टाइम पीरियड पे क्या बोला गया था, अब ब्रिटिश इंडिया के कार्यकाल में थे हम लोग और तिब्बत को बुलाया गया, चाइना को बुलाया गया। उस टाइम पर तिब्बत जस्ट आज़ाद हुआ था चाइना के से, उस टाइम पर तिब्बत ऑटोनोमस हुआ करता था अपने आप में, चाइना ने जिसको छोड़ा ही था कुछ वक्त के लिए, वापस तो फिर कब्जा कर ही लेगा आके। चाइना की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। बाद में हमने तीनों को बुलाया और पूछा कि लैंड के हमने बाउंड्री डिसाइड करनी थी अपने को, तो बाउंड्री डिसाइड करने की बात चल रही थी। तो चाइना गुस्से में निकल गया, उसको लगा कि भाई अब तिब्बत अपने फैसले खुद लेना शुरू करेगा जो हमारे कब्जे में था कभी, उसको वो बात बुरा लग गया और बुरा लग गया तो वहाँ से वो निकल गया गुस्से में, बोला ये तिब्बत का और आपका मामला है, आप लोग समझिए। तो फाइनली डिसाइड हुआ, डिसाइड होकर अपनी बाउंड्री की लाइन हमने खींची है, जो अरुणाचल प्रदेश जब की लाइन दिख रही है वो हमने वहाँ से अपनी लाइन जो है वो खींच ली। हमने बोला भैया वो तुम्हारा तिब्बत और ये हमारा भारत, ये बात क्लियर हो गई। तो उसको अब उस टाइम पर जो व्यक्ति थे वो कौन थे, मैकमोहन जनाब थे जो शिमला में गए थे, तो मैकमोहन लाइन के नाम से रखा गया। बाद में उसकी कहानी अलग है कैसे चाइना का रूल आया, उन्होंने विवाद छेड़ा, हमने जब यूएन में अपना मैप रिप्रेजेंट किया तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेडक्लिफ की कहानी क्या है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस दौरान पर 4 जुलाई को पास होता है वहाँ की पार्लियामेंट में भारत का पार्टीशन बिल पास होता है। 72 दिनों में, 72 ही बोलते ना, 72 डेज में भारत का विभाजन कर दिया गया। अब उस विभाजन के लिए माउंट बैटन ने किसको बुलाया, अंग्रेजी शासक ने भेजा माउंट बैटन को, और माउंट बैटन ने किसको भेजा, किसको बुलाया, रेडक्लिफ को। रेडक्लिफ उससे भी ज़्यादा स्मार्ट, रेडक्लिफ ने एक हफ्ते के भीतर भीतर 5 दिनों में भारत जैसे बड़े देश का बंटवारा कर दिया, वो भी मैप के ऊपर। इतना ज्ञानी व्यक्ति था रेडक्लिफ कि उसने मैप के ऊपर भारत जैसे बड़े देश का बंटवारा कर दिया। मतलब हम लोग एक एरिया का भी बंटवारा ना कर पाए मैप के ऊपर, यहाँ से वहाँ जो एक दूसरा घर पड़ जाता है, वहाँ से वहाँ जो दूसरा ब्रिज पड़ जाता है बिना किसी ग्राउंड वर्क के, जिसका रिजल्ट सबके सामने रहा ही ऑलमोस्ट है ना। अगला देखिएगा, स्टेट में सबसे पहला कौन होता है, राज्य का प्रमुख और भारतीय शास्त्र का प्रथम नागरिक कौन होता है। रिमेंबर दिस, ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, गूगल ने भी इसको गलत लिया है, इस स्टेट का मतलब होता है इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है मैम, प्रेसिडेंट। हमने क्या बोला मैम, हमारे यहाँ ये फॉर्मल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। हमारे यहाँ ये जब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो हमारे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं। भारत में जितनी भी प्रमुख नियुक्तियाँ होती हैं वो सारी नियुक्तियाँ किसके द्वारा करी जाती हैं, वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही करी जाती है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जब मैं बोलूँगी जो कार्यकारी कौन है हमारे यहाँ तो वो आपका पीएम हो जाएगा। क्या बोला मैम, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। अब इसी पीएम के पास इतनी ताकत हो जाएगी कि कल कोई इम्पीचमेंट करवा सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड ऑफ वॉलिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर अगर हो रहा है, वॉलिएट हुआ है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड प्रोविजन अगर वॉलिएट हुआ है तो उस ग्राउंड पर आप प्रेसिडेंट साहब का इम्पीचमेंट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एक बात और, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इधर हाउस में। ऐसा नहीं कि राज्यसभा इंट्रोड्यूस करेगी या वो लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगी, ना 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 ना, दोनों में से किसी भी हाउस में हो सकता है इंट्रोड्यूस। एक हाउस जो है वो इसको कंडक्ट करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, दूसरा हाउस जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, 14 दिन का नोटिस जाएगा, इम्पीच्ड। ठीक है, इवन पीएम की नियुक्ति भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। 6 महीने का वक्त भी इनको दिया जाता है पीएम साहब को कि आप चाहे तो आप संसद बन के आइए, दोनों में से किसी भी सदन के आप संसद बनकर आइए, है ना, ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। फटाफट तरीके से मैं बहुत जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम कम बचा हुआ है। अगला, कंज्यूमर थ्योरी में जो हम बात कर रहे होते हैं तो विच द फॉलोइंग स्टे कॉन्स्टेंट अलोंग एन इंटरडिफरेंस ऑफ कर्व, कौन सा इनमें से कॉन्स्टेंट रहेगा आपका। बट दैट विल बी वॉलेटाइल, दैट विल बी नॉट वॉलिएट, दैट विल बी वॉलेटाइल विच यू हैव रिटन। और वॉलेटाइल का मतलब सब कुछ और हो जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का मतलब अपने आप में अलग चला जाता है। मैम यूटिलिटी 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 यूटिलिटी, ठीक है, तो
तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद है लेकिन उसका प्राइस बहुत महंगा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो सकता है जो इतना महंगा होगा तुम नहीं खा सकते हो। दुनिया में ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, हो सकती है ना। अब वो अलग बात है कि तुम्हें जो पानी पूरी तुम्हें रास्ते पर मिल जाएगी 10 रुपए की, 4 या 5 मिल जाएगी, वो पानी पूरी तुम्हें रेडिसन में 600 रुपए की मिलेगी, तो वो अलग बात है। खैर, तो कंज्यूमर हमेशा सामान कैसे खरीदना चाहते हैं? अपनी इनकम के हिसाब से। क्या तुम अपने टेस्ट के हिसाब से खरीदोगे? मैंने बोला कि यार मुझे घर में एसी चाहिए, और अगर महीने में पैसे आ रहे तुम्हारे पास 20 रुपए भाई तनख्वाह है, तो तुम एसी लगवा लोगे? तुम लगवा लोगे, हाँ या ना बताओ? तो हम बेसिकली अपने अपने इनकम के ऊपर भी हम लोग, यानी कि यूटिलिटी कहाँ गया, यूटिलिटी कहाँ है, अरे यार, हम अपने क्या टेस्ट को हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे कि हम लोग अपनी इनकम को पहले प्रेफरेंस देंगे? हम्म, अगला ध्यान दीजिएगा, सीपीआई का शॉर्टकट क्या होता है? ग्रेट नॉलेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस फवद, कह रहा हम टेस्ट को देंगे, इसलिए तुम घूस लोगे कि जैसे ही तुम लोग बोलोगे कि इससे हमारा अब काम नहीं चल रहा है, अब तो हमें घूस चाहिए क्योंकि हमें इतना पैसा से काम नहीं चलने वाला है, अब फिर जब नौकरी में चले जाओगे पता चलेगा कि घूस पहले ज़माना में होता था, अब घूस नहीं चलता है, अब हर कोई बड़ा एक्टिव है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास सोशल मीडिया है, और हर कोई अब जो है घूस बहुत दूर दूर की चीज़ हो चुकी है, अब नहीं मिलता गवर्नमेंट जॉब में घूस। पहले वाला अगर तुमने पापा वापा को देख के रखा होगा कि अच्छा मेरे पापा दादाजी तो क्या करते थे, बड़े पैसे आ देते थे, अब नहीं बेटा, अब जितनी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह पर आप नौकरी के लिए आप कर रहे हो, याद रखिएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डन गाइस? अरे सब कुछ डिजिटल हो गया है, लोग ज्यादा जानकार हो गए हैं, तुमसे कोई घूस मांगेगा तुम दोगे? तुम नहीं दोगे, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तुम्हारा ऑफिसर तुमसे पैसा मांग दे, तुम थाने में चले जाओ पैसा मांगे, तुम रिकॉर्ड करके डाल दो, ट्रेन में अब टीटी घुस ले लो रिकॉर्ड करके डाल दे, है ना, लोग 4 बातें बोल के डाल दे, तो अब नहीं, अब कहीं नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता। जो पुराने लोग हैं वही, जितने भी यंग लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, जितने भी यूपीसी ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े रिफ्रेन करते हैं वो लोग भैया घुस वाले पैसे से, इतना क्रूशियल स्टेज है। चलिए, सरकारी नौकरी लग जाए फिर सोचा जाएगा उसके बाद, आय हाय हाय। ओके गाइस, सो आई होप कि आज का सेशन यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, आई होप आप लोगों का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। बाय द वे, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, उसके अलावा आप लोगों को ख्याल रखना है, दिल्ली पुलिस में आप लोगों की पेड बैच भी चल रही है, और जिनको मॉक टेस्ट लेना है, एग्जाम नज़दीक है, मॉक टेस्ट लेना है, गो विद द कूपन कोड दिव्या पास, और बैच अगर आपको लेना है, आपको एनरोल करना है, आपके दोस्तों को एनरोल करना है, तो डिस्काउंट कूपन कोड आपका जाएगा दिव्या। ओके, सो मिलेंगे इस क्लास के साथ, आप लोग का 2-3 दिनों बाद एग्जाम है, तो वापस से मिलेंगे इसी क्लास के साथ, आपको कल भी हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे। बाय बाय, ओके, थैंक यू अभिजीत, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।